हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में, और हम बात करेंगे कुछ ट्रांसफर रिलेटेड अपडेट्स के बारे में भी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्पेनिश सेंटर बैक के खिलाड़ी मिचेल जुबैको को लेकर। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को ये खबर दे दिया था पहले ही कि नेस्टर अल्बियाक और रोमिन फिलिफुटू दोनों ही इंडिया यानी कि गुवाहाटी पहुँच चुके हैं, क्योंकि इन दोनों को लेकर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ने ये खबर रिलीज किया था कि ये दोनों गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, स्पेनिश सेंटर बैक के खिलाड़ी मिचेल जुबैको को लेकर ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ने ये खबर रिलीज नहीं किया था। तो मिचेल जुबैको इंडिया में अभी फिलहाल मौजूद है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के भारतीय सेंटर बैक के खिलाड़ी गौरव बोरा ने एक रेस्टोरेंट से अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टोरी ऐड किया जहां पर मिचेल जुबैको को भी देखा गया था। तो ये कंफर्म हो चुका है कि मिचेल जुबैको भी इंडिया पहुंच चुके हैं पहले ही। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे खबर के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फॉर्मर सेंट्रल फॉरवर्ड के खिलाड़ी विल्मर जॉर्डन गिल, ऐसा खबर आ रहा है कि ISL के न्यू क्लब पंजाब FC में ज्वाइन करने वाले हैं। सारा बातचीत कंफर्म हो चुका है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार रहेगा हम सभी को। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्रांसफर अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, खबर आ रहा है कि हेक्टर यूस्टे, जो कि 35 वर्षीय स्पेनिश सेंटर बैक के खिलाड़ी है, मोहन बगान सुपर जॉइंट्स में साइन कर चुके हैं। तो दोस्तों, काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से यही खबर है कि मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने हेक्टर यूस्टे का साइनिंग कंप्लीट कर लिया है। तो आने वाले सीजन से हेक्टर यूस्टे हम सभी को मोहन बगान के कलर में खेलते हुए दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।